कैसे यकीन कर लिया उस अनवर की बात का? भाई साहब, वो निकाहनामा खुद लेकर आया था। हमने मौलवी साहब को दिखाया तो उन्होंने भी तस्दीक कर दी। उस पर गवाहों के साइन थे, कैसे यकीन ना करते। एक फोन तो कर देते, सच और झूठ का मैं खुद पता कर लेता। भाई साहब, इतना कुछ होने के बाद भी आपको इतला करते, आपका इंतजार करते हम, कमाल करते हैं आप भी। अरे मेहमानों के सामने दो टके की इज्जत नहीं रहेगी हमारी। शहरयार, तुम्हें तो बताना चाहिए था मुझे। बाबा जान, आप बहुत परेशान थे इसलिए। मेरा दिल क्यों कह रहा है कि कोई ना कोई बात जरूर है, वरना ऐसे कैसे कोई निकाह के दिन चला है कि उसका निकाह हुआ। हम ये उसने पहले क्यों नहीं बताया? आता जाता था यहाँ, एंड निकाह के दिन उसे बताने की क्या जरूरत थी? भाई साहब, वो किसी जरूरी काम से कराची गया हुआ था। यहाँ पे हर चीज इतनी आनंद फानन हुई है, उसे कैसे मालूम था कि उसकी मनकुआ निकाह के ऊपर निकाह करने जा रही है। ये निकाह कब और कहाँ हुआ, कुछ बताना पसंद करेंगे आप? आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे निकाह मैंने पढ़वाया था, मुझे क्या मालूम कहाँ हुआ था। सब कुछ जाने बगैर तहकीक के आप लोगों ने कैसे यकीन कर लिया? और ये ताबा कहाँ है? बाबा जान, औसाफ क्यानी का बेटा और उनकी बहू उनको साथ लेकर गई थी। क्या, औसाफ का बेटा? ये बात तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताई? आप रात को देर से आए थे, बहुत परेशान थे, मैं कैसे बताता आपको। नॉनसेंस, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। ताबा को दुश्मनों के हवाले कर दिया, उन्हीं से तो जान का खतरा था उसे, इसीलिए यहाँ लेकर आया था मैं। फिर तो वो लोग जुल्म भी बहुत करेंगे उस पर। हाँ माँ, मैंने तो अपने मरते दोस्त से वादा किया था कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा, और इन्होंने दुश्मनों के हवाले कर दिया उसे। भाई साहब, निकाहनामा देखने के बाद ही हमने ऐसा किया है। शहरयार, तुम मेरे साथ चल रहे हो, मैं ताबा को अभी लेने जा रहा हूँ। भाई साहब, क्या हो गया आपको? इतनी मुश्किल से हम सबकी जान छुटी उससे, आप दोबारा हमारे सर पर नाजिल करना चाह रहे हो उसे? क्या मतलब, क्या जान छुटी थी तुम्हारी? अम्मा, खुदा के लिए बात से बात मत पकड़ा करें। अगर हम उसके दुश्मनों को भी अपना दुश्मन बना लेते तो सोचा है आपने हमारे साथ क्या होता? अपनी जान हर किसी को अजीज होती है। शहरयार, चलो ताबा को लेकर आओ। एक तो भाई साहब ने हर बात पे सिर्फ अपनी मनवानी, मजाल है हम में से किसी की बात को अहमियत देते हो। तंग आ गई उनकी सादत से।